अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने चैप्टर 6 को स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रीवियस हमने चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स किए थे, एक्सरसाइज की थी, ठीक है। हाँ जी, अगर आपने वो टॉपिक समझे तो मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट है, यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना है तो वो भी मुझे बता सकते हैं आप। तो चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक अगर आपने कोई टॉपिक आपका मिस हो गया तो मेरी 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट से आप समझ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इसी तरह पास पेपर की भी एक प्लेलिस्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, आज हमने पढ़ना है ड्रैग फोर्स, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी और स्टोक्स लॉ, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, चले इनको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच सकें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलें टॉपिक को स्टार्ट। हमारे पास आती है जी विस्कोसिटी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, हमारे पास कहता है कि अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ओवर वन लेयर ऑफ लिक्विड ऑन अनदर, कि एक लेयर के ऊपर जब दूसरी लेयर को आप स्लाइड करेंगे, ठीक है ना, तो उस पे जो फोर्स आप लगाएंगे वो क्या कहलाएगी, विस्कोसिटी कहलाएगी, ठीक है बच्चों। हाँ जी, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों, इसका एक सिंबल है, इसे हम पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है ये, इसे पढ़ते हैं हम इटा। दिस इज द सिंबल ऑफ विस्कोसिटी। सिंबल ऑफ विस्कोसिटी जो है हमारा, वो है हमारा सिंबल है इटा, इसे आपने पढ़ना है इटा, और ये इसका सिंबल है, ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल बहुत आसान है। अब ऐसे सब्सटेंस जिनकी ये विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, वो भी सब्सटेंस मौजूद है हमारे पास, आपने नेचर में देखे हैं, जिसकी एग्जांपल है बहुत आसान सी, हनी, शहद, बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है ना। हाँ, और इसकी एक और एग्जांपल जिसकी लो विस्कोसिटी है बहुत ज़्यादा, जिसकी एग्जांपल आपको पता है नेचुरल में पैदा नहीं, ये भी इसकी एग्जाम्पल है वाटर। वाटर की विस्कोसिटी लो है, हनी की विस्कोसिटी हाई है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, इसी तरह बात करते हैं ड्रैग फोर्स की। तो अब इसकी भी डेफिनेशन इससे मिलती है क्या, कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लिक्विड, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट पासिस थ्रू इट, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड से गुजरेगा तो वो उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे ड्रैग फोर्स। इसका सिंबल है बच्चों एफ फोर्स और साथ स्मॉल डी ड्रैग फोर्स, ओके बच्चों। हाँ, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब बात कर लेते हैं बच्चों हमारा स्टोक्स लॉ। अब बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास एक ड्रॉपलेट है लिक्विड का, ठीक है, जिसका रेडियस आर है और वो खुद एक स्फीयर है, आपको पता है इस बात का बहुत अच्छे से पता है। तो ये जो स्फीयर है, अब हम इसी की बात करेंगे कि अगर एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, ठीक है ना, ड्रॉपलेट है, और एक ऑब्जेक्ट उसमें से गुजरेगा, ठीक है, तो देखना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू लिक्विड, ठीक है, हुज वन ड्रॉपलेट हैज रेडियस आर एंड अ शेप ऑफ स्फीयर, स्फीयर की शेप का हो, देन द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रैग फोर्स विल बी 6 pi ईटा आर वी। तो दिस इज अवर स्टोक्स लॉ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक बार रिव्यू करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब आप एक लिक्विड की लेयर को दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करो, उसके लिए आप जो फोर्स अप्लाई करोगे, अमाउंट ऑफ फोर्स, उसे आप बोलोगे विस्कोसिटी, ठीक है। जैसे लोग पानी में तैरने के लिए क्या करते हैं, अपने हाथ पांव का इस्तेमाल करते हैं, वो एक लेयर को दूसरे पर स्लाइड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, विस्कोसिटी। इसी तरह इसकी एग्जाम्पल थी एक हनी और एक वाटर। वाटर की बहुत लो विस्कोसिटी, आप फिर भी बहुत मुश्किल से हम उस पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और हनी
उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। हाँ, इसी तरह आती है ड्रैग फोर्स। तो ये वो फोर्स है जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड से पास करे वो उसको रोके, अपोज करे, रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट पासिस थ्रू इट, तो आप इसको कह सकते हैं रिटार्डिंग फोर्स। ओके बच्चों, हाँ जी, याद रखिएगा इस बात को। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास स्टोक्स लॉ, जिसको मैंने बताया कि आप एक्सप्रेशन से बताओ ना ड्रैग फोर्स को, वो ये एसिक्स बाई ईटा आर समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, स्टोक्स लॉ, ड्रैग फोर्स और विस्कोसिटी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक का इस प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जहां आप इसे तमाम प्रीवियस टॉपिक समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच सकें, ठीक है बच्चों। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।